हेलो एवरीवन। तो आज हम नए टॉपिक की तरफ बढ़ रहे हैं और नया टॉपिक हमारा आज का जो है वो क्लाउड वॉच पे है। ठीक है, लास्ट टॉपिक हमने ऑटो स्केलिंग ख़त्म किया था, आज हम क्लाउड वॉच के बारे में बात करेंगे। तो डायग्राम में समझते हैं। तो दोस्तों पहले क्लाउड वॉच देखते हैं कि है क्या, है ना। तो अगर मैं बात करूँ, आप अपना डाटा सेंटर ऑन प्रेमिसेस पे लगा रहे थे तो वहाँ पर आप उन ऑन प्रेमिसेस में रिसोर्सेस के, सर्वर्स की, इन सब की मॉनिटरिंग कैसे करते थे? तो आप थर्ड पार्टी टूल्स के थ्रू करते थे, लाइक नेगियोस, स्प्लैंक, मल्टीपल टूल्स हैं जो आपको पता है। लेकिन आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं कि अगर हमारा डाटा सेंटर AWS के ऊपर लगा हुआ है तो वहाँ पर हमें AWS कौन सी सर्विसेज हमें प्रोवाइड करता है फॉर द मॉनिटरिंग के लिए। तो अगर आपका डाटा सेंटर AWS पे लगा है तो आप उन रिसोर्सेज की मॉनिटरिंग क्लाउड वॉच के थ्रू कर सकते हो। ये क्लाउड वॉच AWS की सर्विस है। हाँ, ये भी ऑप्शन है कि आप अपना नेगियोस सेटअप लगा के भी कर सकते हो। ऐसा नहीं कि नेगियोस नहीं कर सकते, कर सकते हो, लेकिन नेगियोस AWS का सर्विस नहीं है। तो AWS अपने इनसे क्या सर्विस दे रहा है? क्लाउड वॉच। तो क्लाउड वॉच एक मॉनिटरिंग टूल की तरह काम करता है। तो हम क्लाउड वॉच के बारे में आज बात करेंगे। ठीक है, चलो तो पहले बात करते हैं कि क्लाउड वॉच है क्या। तो मैं आपको बता दूं, क्लाउड वॉच एक डैशबोर्ड है जिसको हम क्लाउड वॉच डैशबोर्ड बोलते हैं या रिपोजिटरी ऑफ डेटा भी बोल सकते हैं। तो मैं यहां पे लिख रहा हूं क्लाउड वॉच डैशबोर्ड। क्लियर? तो इस डैशबोर्ड में क्या नजर आने वाला है दोस्तों? तो मैं आपको बता दूं, जैसे आपके नंबर ऑफ सर्विसेज चलती हैं, आपके नंबर ऑफ सर्विसेज आप यूज कर रहे हो, लाइक EC2 यूज कर रहे हो, S3 यूज कर रहे हो, लोड बैलेंसर यूज कर रहे हो, राइट? ऐसे नंबर ऑफ सर्विसेज आप यूज कर रहे हो, SES यूज कर रहे हो, नंबर ऑफ सर्विसेज यूज कर रहे हो। तो आप कितना परसेंट इसको यूटिलाइज कर रहे हो, ये डेटा आपको कहाँ मिलेगा, ये मैट्रिक्स आपको कहाँ मिलेगा दोस्तों? ये क्लाउड वॉच पे आपको मिल जाएगा। क्लाउड वॉच में ये पूरी की पूरी मैट्रिक्स आपको ग्राफ के फॉर्मेट में, नंबर के फॉर्मेट में, स्टैक एरिया के फॉर्मेट में आपको नजर आता है, राइट? तो AWS क्या करता है, इन सब की मैट्रिक्स को सेंड करता रहता है क्लाउड वॉच के डैशबोर्ड पे। सारी मैट्रिक्स को क्या करता है, क्लाउड वॉच के डैशबोर्ड में सेंड करता रहता है। और कौन इनका सेंड करने का इंटरवल टाइम क्या है दोस्तों? इसका इंटरवल टाइम होता है बाय डिफॉल्ट 5 मिनट्स का। तो आपको 5 मिनट इंटरवल टाइम से यहां पर अपडेट डेटा नजर आता रहेगा। और दोस्तों हम इसको डिटेल, इसको हम बेसिक मॉनिटरिंग के नाम से भी कॉल करते हैं, बेसिक मॉनिटरिंग, और ये फ्री ऑफ कॉस्ट। तो अगर मैं EC2 की बात करूं तो EC2 का CPU यूटिलाइजेशन आपको यहां पे नजर आएगा कि CPU कितना परसेंट यूटिलाइज हो रहा है, राइट? 70% तो आपको नजर आएगा साफ साफ। और इतना ही नहीं, आप चाहो तो यहां पर जो मैट्रिक्स आपको दिख रहा है नंबर के फॉर्मेट में, आप चाहो तो उसके ऊपर थ्रेशोल्ड डिफाइन कर सकते हो। क्या कर सकते हो दोस्तों? आप इसके ऊपर थ्रेशोल्ड लगा सकते हो। क्या लगा सकते हैं दोस्तों? हम इसके ऊपर थ्रेशोल्ड लगा सकते हैं। मैं यहां पे लिख देता हूं, थ्रेशोल्ड में क्या लगा सकते हो कि अगर CPU ग्रेटर देन हो जाता है 70% से या लेस देन हो जाता है 25% से, तो आप ऐसे थ्रेशोल्ड लगा सकते हो कि अगर CPU ग्रेटर देन हो जाए 70% से ऊपर तो हम उसके उस पर क्या करना चाहते हैं, एक अलार्म क्रिएट करना चाहते हैं थ्रेशोल्ड की वैल्यू पे। तो आप थ्रेशोल्ड की वैल्यू में क्या लगा सकते हो दोस्तों? अलार्म, अलार्म क्रिएट करा सकते हो। और जब अलार्म क्रिएट हो जाए तो आप उस अलार्म के बेस पे क्या कर सकते हो? एक्शन ले सकते हो, टेक द एक्शन। क्या ले सकते हैं हम यहां पर? टेक द एक्शन। मैं आप लिख देता हूं, टेक द एक्शन। और एक्शन लेने के लिए आप मल्टीपल रिसोर्सेस को प्रोवाइड दे सकते हो, लाइक जैसे एक्शन लेने के लिए मैंने SNS को दे दिया। और SNS बोलो तो क्या है? सिंपल नोटिफिकेशन सर्विस। ठीक है, मैं यहां पे लिख देता हूं SNS स्टैंड फॉर सिंपल नोटिफिकेशन सर्विस। तो दोस्तों ये नोटिफिकेशन के लिए काम आता है। आपने SNS के अंदर
मेरी मैंने SNS के अंदर अपनी ईमेल आईडी सब्सक्राइब कर रखी है, तो ये क्या करेगा, जैसे मेरा CPU 70% से ऊपर पहुंचा, तो थ्रेशोल्ड उसको चेक करता रहेगा, थ्रेशोल्ड की वैल्यू से ऊपर गई तो अलार्म क्रिएट हुआ, अलार्म के बेस पे एक्शन लिया, एक्शन ने लेकिन SNS को दिया, SNS के अंदर मेरी ईमेल आईडी सब्सक्राइब थी, मुझे ईमेल आ जाएगा कि आपका CPU 70 से ऊपर यूज हो रहा है। इसी तरीके से एक्शन लेने के लिए आप ऑटो स्केलिंग को दे सकते हो, जो लास्ट टॉपिक लास्ट चैप्टर में हमने पढ़ा था, किसको, ऑटो स्केलिंग को बोल सकते हैं। तो आपने देखा ऑटो स्केलिंग क्या करता है, इंस्टेंस को ऐड करता है और निकालता है। इसी तरीके से दोस्तों आप एक्शन लेने के लिए, आप यहां पर एक्शन लेने के लिए लैम्डा फंक्शन को दे सकते हो, लैम्डा के बारे में बाद में बात करूंगा, लैम्डा सर्विस को दे सकते हो। लैम्डा सर्विस के अंदर आपने एक फंक्शन बनाया, फंक्शन में आपने कोडिंग डिफाइन की है, CPU 70 से ऊपर जाए तो उसका साइज इंक्रीज कर दो, क्या करो उसका साइज आप इंक्रीज कर सकते हो। तरीके से आप एक्शन लेने के लिए आप एंसेबल को दे सकते हो दोस्तों, एंसेबल क्या कर सकते हो, आप एंसेबल को बोल सकते हो। एंसेबल के अंदर आपने एक प्लेबुक डिफाइन किया, प्लेबुक के अंदर आपने कोडिंग कर रखी है कि अगर CPU 70 से ऊपर जाए तो अलार्म क्रिएट हो और टेक द एक्शन के लिए एंसेबल को देना है, एंसेबल के अंदर का प्लेबुक एक्सिक्यूट हो जाएगा, क्या लिखा हुआ है, मशीन का साइज बढ़ा दो। इसी तरीके से दोस्तों आप एक्शन लेने के लिए, आप यहां पर एक्शन लेने के लिए पाइथन स्क्रिप्ट को बोल सकते हो, तो पाइथन सर्विस के पाइथन के ऊपर आपने एक स्क्रिप्ट डिफाइन किया है कि जब भी आपके पास एक्शन लेने के लिए आए तो आप एक्सिक्यूट हो जाना और क्या लिखा है, मशीन का साइज बढ़ा देना, और भी मल्टीपल चीजों को आप एक्शन लेने के लिए दे सकते हो दोस्तों, क्लियर। चलो अब देखो यहां पर, अब आपको यहां पर जो डेटा मिल रहा है ना वो एवरी 5 मिनट इंटरवल टाइम से मिल रहा है और इसको हम बोलते हैं बेसिक मॉनिटरिंग। लेकिन AWS आपको एक फैसिलिटी प्रोवाइड करता है कि आप इसको 5 मिनट से चेंज करके 1 मिनट कर सकते हो, तो अगर आपने इसको 5 मिनट से चेंज करके 1 मिनट कर दिया तो डेटा 1 मिनट के इंटरवल टाइम से अपडेट होने लगेगा, यहां पे आपको नजर आने लगेगा। और दोस्तों इसको कहा जाता है डिटेल मॉनिटरिंग, डिटेल मॉनिटरिंग कहा जाता है और ये पेड है, फ्री नहीं है। डिटेल मॉनिटरिंग आपका पेड है, बेसिक मॉनिटरिंग आपका फ्री है, ये आपको याद रखना हमेशा, मैं यहां पे लिख देता हूं पेड है ये, क्लियर। चलो थोड़ा सा आगे लेके चलता हूं। अब मैं बात करता हूं कि आपने AWS के ऊपर एक EC2 बनाया, ठीक है, बहुत ध्यान से सुनना मेरी बात को, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इंटरव्यू में बहुत ही ज्यादा इसके ऊपर क्वेश्चन पूछा जाएगा। ये मेरा EC2 है, तो दोस्तों मैं आपको बता दूं इस EC2 का CPU यूटिलाइजेशन का डेटा ही आपको यहां पे नजर आएगा बस, मतलब अगर हम इस EC2 की बात करें तो इस EC2 का CPU यूटिलाइजेशन का डेटा ही आपको नजर आने वाला है CloudWatch के डैशबोर्ड में। अगर हम बात करें कि भाई इसकी रैम यूटिलाइजेशन कितना हो रहा है, उसका डेटा CloudWatch में आपको नजर नहीं आएगा बाय डिफॉल्ट। रैम कितना परसेंट अवेलेबल है, इसका डेटा आपको CloudWatch में नजर नहीं आएगा बाय डिफॉल्ट। रैम कितना यूज हो चुका है, इसका डेटा आपको CloudWatch के डैशबोर्ड में नजर नहीं आने वाला। ऐसी हार्ड डिस्क कितना परसेंट यूटिलाइज हो चुकी, नजर नहीं आने वाला। हार्ड डिस्क कितना परसेंट अवेलेबल है, इसका डेटा आपको CloudWatch में नजर नहीं आने वाला। हार्ड डिस्क कितना परसेंट यूज हो चुका है, इसका डेटा आपको CloudWatch में नजर नहीं आने वाला। आप EC2 के अंदर Apache सर्वर चला रहे हो, इसके लॉग्स आपको यहां पे नजर नहीं आने वाले। आप NFS चला रहे हो, NFS सर्वर के लॉग्स आपको CloudWatch के डैशबोर्ड में नजर नहीं आने वाला। इन सब की मॉनिटरिंग के लिए आपको EC2 के अंदर लॉग इन करके ही करना पड़ेगा। मतलब अगर मुझे देखना है कि इसका रैम कितना यूटिलाइज हो रहा, तो मुझे EC2 को लॉगिन करके फ्री -H चलाकर ही देख सकता हूं। मैं CloudWatch के डैशबोर्ड में जाके नहीं देख सकता। क्यों नहीं देख सकता, क्योंकि AWS इनका मैट्रिक्स यहां सेंड करता ही नहीं है, वो सिर्फ बेसिक चीजों का करता है, और हमें तो मॉनिटरिंग ये भी करवानी है, तो क्या हम इसके लिए मशीन लॉगिन करेंगे? नहीं सर दोस्तों, गलत कॉन्सेप्ट है, आप चाहते हो यहीं पे हो जाए। तो AWS डेटा सेंड तो नहीं करता, लेकिन सोल्यूशन आपको देता है। सोल्यूशन क्या देता है कि इनकी मैट्रिक्स आप खुद से सेंड कर दो, आप इनका मैट्रिक्स खुद से सेंड कर दो तो यहां पे आ जाएगा, फिर मॉनिटरिंग कर सकते हो। अब क्वेश्चन आता है कि मैट्रिक्स को सेंड कैसे किया जाए,
तो AWS बोलता है कि आपको ज़्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, मैं बनी बने स्क्रिप्ट रखा हूँ, मेरी वेबसाइट पे जाओ और स्क्रिप्ट को डाउनलोड करो और वो वाली स्क्रिप्ट यहाँ इस मशीन के अंदर से एग्जीक्यूट करो तो डेटा यहाँ पे चला जाएगा और फिर मॉनिटरिंग कर सकते हो। तो ये सारी लैब हम प्रैक्टिकल करके देखेंगे तो ज़्यादा समझ में आने वाली है आपको, क्लियर। तो हम यहाँ पे स्क्रिप्ट डाउनलोड करेंगे और स्क्रिप्ट को रन करेंगे और देन डेटा यहाँ पे सेंड होता जाएगा। तो आई होप ये चीज़ें आपको समझ में आ रही होंगी, क्लियर। अगला चीज दोस्तों, हमारा क्लाउड वॉच जो है ना वो IoT को भी सपोर्ट करता है। IoT, मैं समझाता हूँ IoT क्या होता है। फॉर एग्जाम्पल, आपका यहाँ पर एक फैक्ट्री लगा हुआ है, आपका एक फैक्ट्री यहाँ पे लगा हुआ है, ठीक है, ये आपका फैक्ट्री है, मैं यहां पे लिख देता हूं ये पावर प्लांट है। फॉर एग्जांपल, आप लोगों ने देखा होगा इलेक्ट्रिसिटी के प्लांट या कोई भी प्लांट ले लो, स्टील प्लांट, तो इस प्लांट के अंदर मल्टीपल कंपोनेंट चल रहे हैं और कंपोनेंट का टेम्परेचर बहुत ज्यादा हाई हो जाता है। तो टेम्परेचर को मेजरमेंट करने के लिए हम क्या करते हैं, IoT का डिवाइस यूज करते हैं। तो हमने फैक्ट्री के कॉम्पोनेंट के पास में क्या लगा दिया दोस्तों, IoT लगा दिया। तो हमारा IoT का डिवाइस क्या करेगा, सारे टेम्परेचर के डेटा को अपने पास कलेक्ट करेगा और अगर हमने अपने IoT को क्लाउड वॉच से बाइंड कर रखा है तो क्लाउड वॉच को दे देगा। तो क्लाउड वॉच को दे देगा तो आपको यहीं पे पता लग जाएगा हमारे इस फैक्ट्री का कंपोनेंट इतना परसेंट हीट हो रहा है, तो आप उस पर थ्रेशोल्ड डिफाइन करके SNS को दे सकते हो और कंपनी के MD को ईमेल सेंड करा सकते हो। तो दोस्तों ये भी कॉन्सेप्ट हमारे इसमें क्लाउड वॉच में है। तो ऐसे समझ लो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है क्लाउड वॉच, ठीक है। एक चीज़ मैं और बता दूं आपको, आप अपने रिसोर्सेज पे इवेंट्स भी जनरेट कर सकते हो, है ना, कोई भी एक्टिविटीज हो तो मुझे उसका इवेंट्स आ जाया करें। तो दोस्तों ये क्लाउड वॉच की बेसिक थ्योरी थी, जब हम इसके लैब करेंगे तो ज़्यादा आपको समझ में आने वाला है। तो थ्योरी मैं यहीं पे स्टॉप करता हूँ और नेक्स्ट वीडियो मैं लैब पे बनाऊंगा, क्लियर। तो चलो दोस्तों, बाय बाय।